इक्विटी मार्केट्स में क्या-क्या हो रहा है ये हम सब देख रहे हैं, और फाइनेंशियल मार्केट्स के पांच बेसिक पिलर्स होते हैं। पहला स्टॉक एक्सचेंजेस, दूसरा करेंसीज, तीसरा क्रूड और कमोडिटीज, चौथा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और हेज फंड्स, पांचवा क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। तीन तो गिर चुके हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस, करेंसीज और क्रूड, बाकी तो एक या दो हफ्ते में गिर जाएंगे। उसके बाद जो होगा उसे बोलेंगे 2016, 2008 इंटू 12 इंटू 2, 2016। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस, व्हाट्सएप, ईमेल आते हैं जिसमें लोग मुझे बोलते हैं कि हमारे पास इक्विटी पोर्टफोलियो है, मान लेते हैं 40 लाख का, और वो इक्विटी पोर्टफोलियो 40 लाख से कम होकर 20 लाख आ गया। कुछ तो ऐसे भी हैं बेचारे जो कहते हैं कि हमारा इक्विटी पोर्टफोलियो पूरा ही क्रैश हो गया, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो यहाँ तक कहते हैं कि उनको लोन लेकर इक्विटी पोर्टफोलियो को पे करना पड़ा, मतलब किसी बैंक से लोन लेकर इक्विटी पोर्टफोलियो को पे करना पड़ा। किसी भी इक्विटी पोर्टफोलियो में उसको क्रिएट करना बहुत आसान होता है, लेकिन इक्विटी पोर्टफोलियो को रन करने के लिए एक प्रोफेशनली मैनेज्ड पर्सन और प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी आपके पास होनी चाहिए जो 24 घंटे इक्विटी पोर्टफोलियो को ट्रैक करें। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जब हम एक इक्विटी पोर्टफोलियो बनाते हैं 40 लाख का, तो हम एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी को 50,000 नहीं देंगे एक साल का, लेकिन 40 लाख का फोलियो बनाएंगे। होगा क्या, 2 साल में वो फोलियो, 40 लाख का फोलियो 26 लाख में आ जाएगा, वो ठीक है, लेकिन 40 लाख का पोर्टफोलियो जो है वो 52 या 60 पे ना जाए, वो ठीक नहीं है। पिछले 3 महीने से जब से हमने अपना हेज फंड डेस्क शुरू किया है इंडिया में, मैंने आज तक एक भी ऐसा पोर्टफोलियो नहीं देखा जिसका मार्कडाउन, हमारे लैंग्वेज में मार्कडाउन कहते हैं, मतलब वो कितना कम हो गया, जिसका मार्कडाउन जो है वो अराउंड 20-30% ना हो। और कई पोर्टफोलियोज तो ऐसे आते हैं जिनका मार्कडाउन जो होता है वो अराउंड 40% से ज़्यादा होता है। किसी भी इक्विटी पोर्टफोलियो के पांच इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर वन, उसका डेली बेस पर रीवैल्यूएशन, बेसिकली अगर आपने किसी भी सिक्योरिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल रीवैल्यूएशन से पहले किसी भी इक्विटी के पांच बड़े कंपोनेंट होते हैं। नंबर वन, उसकी थीमेटिक अप्रोच, एग्जाम्पल कि वो इक्विटी पोर्टफोलियो थीमेटिक है। थीमेटिक का मतलब होता है कि सेक्टोरियल फंड, एक्चुअली इक्विटी म्यूचुअल फंड को दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा जाता है। फर्स्ट ब्रॉड कैटेगरी होती है इंडस्ट्री स्पेसिफिक, जिसे हम लोग थीमेटिक भी बोलते हैं। दूसरी ब्रॉड कैटेगरी होती है नॉन इंडस्ट्री स्पेसिफिक, जिसे कई लोग डाइवर्सिफाइड और कई लोग एग्नोस्टिक भी बोलते हैं। उससे क्या होता है कि जब हम इंडस्ट्री एग्नोस्टिक के, जब हम इंडस्ट्री थीमेटिक की बात करते हैं, तो हम एक थीम पे कॉल लेते हैं। एग्जाम्पल FMCG, रियल एस्टेट एंड फार्मा, फाइनेंशियल मार्केट्स, NBFCs, कुछ भी। जब हम नॉन इंडस्ट्री एग्नोस्टिक की बात करते हैं, तो हम लोग डाइवर्सिफाइड पे कॉल लेते हैं। डाइवर्सिफाइड मीन्स 30% फार्मा, 20% FMCG, 10% इतना। कुछ मेरे पास जो फंड्स आए रिव्यू के लिए, ऑफ कोर्स पेड बेसिस पर, उनमें हमने ये देखा कि थीमेटिक का जो कंपोनेंट है वो जरूरत से बहुत ज्यादा है। तो अगर आपके पास कोई भी इक्विटी फंड हो, तो सबसे पहले आप ये देखें कि उसमें थीमेटिक का कंपोनेंट्स कितना है। हर ये होता है स्टेप नंबर वन, इक्विटी फंड क्रिएशन। स्टेप नंबर टू, उस इक्विटी फंड में हमें ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन सा ग्रोथ स्टॉक है और कौन सा वैल्यू स्टॉक है। ग्रोथ स्टॉक का मतलब होता है कि आपने 10 का लिया और वो 15 का हो गया कई, लेकिन वो डिविडेंड पे नहीं करते। वो जैसे कि मिस्टर स्टीव जॉब्स थ्रू आउट द लाइफ इस बात के अगेंस्ट रहे कि एप्पल को डिविडेंड पे करना चाहिए। वो हमेशा इस बात के फर्म बिलीवर थे कि एप्पल अपने पैसे को री इन्वेस्ट करे
अलग-अलग जगह पे और इस तरीके से री इन्वेस्ट करें कि वो नया नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आए और $100 का शेयर 150 हो जाए और या 200 हो जाए। इससे क्या होता था कि जो जैसे आपने $100 का शेयर लिया एप्पल का और वो 150 हो गया, तो जो $50 आपके बचे जो आपको मिले वो आपके एक तरीके का डिविडेंड हो गया। अब एप्पल आपको 50% डिविडेंड तो देगी नहीं, तो वो होता है ग्रोथ स्टॉक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसी में वैल्यू स्टॉक। वैल्यू स्टॉक होते हैं डिविडेंड स्टॉक, जैसे HCL, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड एक वैल्यू स्टॉक है। वैसे वो वैल्यू स्टॉक नहीं है, वो एक ब्रांडेड स्टॉक है। सो हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड एक वैल्यू स्टॉक है क्योंकि नाडर साहब, यू नो आई एम ऑल्सो एक्स HCL, नाडर साहब डिविडेंड देने पे विश्वास करते हैं, चाहे वो जितना भी हो वो HCL का बोर्ड डिसाइड करता है, तो वो एक वैल्यू स्टॉक होता है। तो अगर आपके पास HCL का शेयर है तो आपको जो भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा ₹10 पे, वो आपको HCL देगा, राइट। अब मोटी सवाल ये इसमें ये होता है कि कुछ स्टॉक ब्लेंडेड स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि HCL। HCL का स्टॉक एप्रिशिएट भी होता है एक लेवल तक और ब्लेंड भी रहता है एक लेवल तक, बेसिकली वैल्यू भी देता है एक लेवल तक। सो पहली इंपॉर्टेंट चीज किसी भी इक्विटी पोर्टफोलियो में कि हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें थीमेटिक कंपोनेंट कितना है। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे स्टॉक में ग्रोथ कितना है, वैल्यू कितना है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेनी कंपोनेंट कितना है। पेनी कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जैसे कि मैं आपको बोलूं, ₹2 का शेयर, ₹3 का शेयर, ₹1 का शेयर, ₹1.5 का शेयर, आई वुड से ₹4 का शेयर, ₹5 का शेयर, जिसमें अगर आप एक बड़ी कैपिटल भी लगाते हैं तो कोई कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होता। जैसे आज वोडाफोन का शेयर ₹3 का है। अब आज अगर वोडाफोन में कोई 1 लाख शेयर ले ले तो वो कितने के हो गए, 3 लाख के हो गए। और अगर उसकी कैपिटल 1 करोड़ है तो 1 करोड़ का 3% 3 लाख है, तो इसका मतलब कि अगर वो डूब भी गया तो उसकी कैपिटल का सिर्फ 3% बार डूबा, खैर एनीवेज डूबेगा तो कभी नहीं। तो पैनी चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें अपने पोर्टफोलियो का मार्क टू मार्केट पता होना चाहिए, और वो भी पीरियोडिक। वैसे तो मंथली मार्क टू मार्केट निकाला जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन अगर मंथली मार्क टू मार्केट नहीं निकाला जाए तो उसमें आपको एटलीस्ट क्वार्टरली मार्क टू मार्केट जरूर निकालना चाहिए, मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है, और वो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। और क्वार्टरली मार्क टू मार्केट पे एक टेक्निक रन होती है जिसे बोलते हैं रीबैलेंसिंग। एग्जाम्पल, मेरे पास HCL का कोई स्टॉक है, और अब IT इंडस्ट्री की क्या हालत है ये तो आपने देखी, और स्पेशली आफ्टर चाइनीज कोरोना वायरस, हमने HCL के स्टॉक को रिप्लेस करके एग्जाम्पल हम वोडाफोन के स्टॉक में ले आए। अब आप कहोगे HCL तो बड़ी कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, अरे कितने देशों में काम कर रही है, डेट भी नहीं है, कैश रिच कंपनी है, उसकी जगह वोडाफोन क्यों लेके आए? क्योंकि वोडाफोन की प्रोबेबिलिटी ऑफ राइजिंग इज हायर देन HCL, और वोडाफोन जो हमें परसेंटेज रिटर्न देगा वो HCL नहीं दे सकता। और इस तरीके से 10 तरीके की रिबैलेंसिंग होती है। रिबैलेंसिंग को एक तरीके की नहीं होती, रिबैलेंसिंग करने के 10 तरीके होते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मंथ एंड पे आपका जो है वो ग्रोथ स्टॉक हो, विच है आपका वैल्यू स्टॉक हो, फिर या आपका पेनी स्टॉक हो, आपका पोर्टफोलियो पिछले मंथ से कैसे था। एग्जाम्पल, पिछले मंथ आपका 30% ग्रोथ था, इस बार आपका कितना ग्रोथ है, पिछली बार इतना वैल्यू था, इस बार आपका कितने वैल्यू होती है। तो ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दूं, कोई भी इक्विटी पोर्टफोलियो सिर्फ 5 या 6 इंपॉर्टेंट चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, उस पे थीमेटिक कंपोनेंट कितना है, दूसरा उस पे ग्रोथ वैल्यू और पेनी स्टॉक कितने हैं, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, क्या उसका वीकली प्रेफरेबली, मंथली प्रेफरेबली, क्वार्टरली नॉट प्रेफरेबली मार्क टू मार्केट निकाला जाता है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, जो इक्विटी पोर्टफोलियो आपका है, चाहे वो 2 लाख का हो, 5 लाख का हो, 20 लाख का हो, या 200 करोड़ का हो, या उससे भी ज्यादा हो, क्या आप वीकली, क्वार्टरली या मंथली मार्क टू मार्केट निकालते हैं? फिफ्थ एंड लास्ट, बीटा। कोई भी
कोई भी इक्विटी पोर्टफोलियो डूबता है तो बीटा की वजह से। आज तक मेरे पास जितने भी इक्विटी पोर्टफोलियो आए, अभी तक मैंने एक पोर्टफोलियो की एक्सेल फाइल में बीटा नहीं देखा, एक ने भी बीटा मेंशन नहीं किया था। अल्फा तो मतलब भूल ही जाओ, और इसकी वजह से नुकसान होता है। और फिफ्थ एंड लास्ट, उस पोर्टफोलियो की रिपोर्टिंग, ये बहुत जरूरी होता है। हमें उस पोर्टफोलियो की रिपोर्टिंग पता होनी चाहिए। अगर हमें उस पोर्टफोलियो की रिपोर्टिंग नहीं पता, देन इट्स अ शियर मेस ऑफ। तो हमें वो रिपोर्टिंग जरूर पता होनी चाहिए, और वो रिपोर्टिंग अगर हम नहीं जानते तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसलिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, इससे सारे बहुत सारे पोर्टफोलियो डाउन होते हैं। तो ये था पार्ट वन। पार्ट टू में हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि कैसे एग्जैक्टली फंड क्रिएट किए जाते हैं और कैसे उस पर एक्शन अप होता है। हैव अ गुड टाइम। जब हम किसी पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो हमें ये चीज बहुत क्लैरिटी से पता होनी चाहिए कि वो पोर्टफोलियो डिजाइंड कैसे होता है। पोर्टफोलियो डिजाइनिंग उस टाइम की मार्केट सिचुएशन पे डिपेंड करती है, और तीन अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसे बोला जाता है डाइवर्सिफिकेशन। उस पर तो अभी हम आएंगे। किसी भी पोर्टफोलियो डिजाइनिंग में, चाहे वो ब्लैक रॉक का हो जो दुनिया का लार्जेस्ट पोर्टफोलियो मैनेजर है, फिर चाहे वो स्ट्रेट स्ट्रीट का हो, चाहे वो वेनगार्ड का हो, पिमको का हो, या किसी भी म्यूचुअल फंड का हो, या किसी भी हेज फंड का हो, वो पोर्टफोलियो सिर्फ इन्हीं पांच कंसिडरेशंस पर बनता है। पहला, हैप्पी टाइम्स, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। मतलब इवन एक वर्स्ट कंपनी भी होगी, वो भी पैसा रेस कर सकती है। ऐसी कंपनी जिसकी क्रेडिट रेटिंग CCC भी नहीं है, वो भी पैसा रेस कर सकती है। दूसरा, डेसिलरेटिंग टाइम्स। डेसिलरेटिंग टाइम्स वो होता है जब धीरे धीरे मार्केट नीचे आना शुरू होती है। जैसे 2014 में इंडिया में डेसिलरेटिंग टाइम था, धीरे धीरे मार्केट नीचे आना शुरू हुई, लेकिन लोगों को समझ नहीं आया। एक होता है स्लोडाउन। 2016 में इंडिया ने स्लोडाउन पिक कर लिया था, और ये बात धीरे धीरे एक्नॉलेज होने लग गई थी कि इकोनॉमी स्लो डाउन मोड में जा रही है। एक होता है रिसेशन। आपको लग रहा होगा रिसेशन आज है। नो, रिसेशन मतलब 2017-18, जब सारी चीजें स्लंप में जाती हैं। 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे तो आपका रिटर्न 10 पैसे से ज्यादा का नहीं होता। और एक होता है डीप डिप्रेशन। आज का टाइम, चाइनीज कोरोना वायरस और दुनिया भर के इश्यूज। तो किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि या तो वो हैप्पी टाइम्स में है, डेसिलरेटिंग टाइम्स में है, स्लो डाउन में है, रिसेशन में है, या फिर डीप डिप्रेशन में है। कोई भी म्यूचुअल फंड में चार कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, ग्रोथ स्टॉक, जो मैंने आपको बताया, वैल्यू स्टॉक, पेनी स्टॉक और म्यूचुअल फंड। तो किसी भी एक पोर्टफोलियो में चार कंपोनेंट होते हैं, ग्रोथ स्टॉक, वैल्यू स्टॉक, पेनी स्टॉक और म्यूचुअल फंड। ग्रोथ स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जिनमें कि हमें कैपिटल एप्रिसिएशन मिलती है। वैल्यू स्टॉक वो होते हैं जिनमें हमें डिविडेंड्स मिलता है। पेनी स्टॉक वो जो कि जिसमें एक छोटी कैपिटल लगा के एक बड़ा रिटर्न अर्न किया जा सकता है। और म्यूचुअल फंड जो एक एज अ वर्किंग कैपिटल और अ बैलेंसिंग एक्ट की तरह किसी म्यूचुअल फंड में आते हैं। कोई भी अगर आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो है, चाहे वो 5 लाख का हो, 10 लाख का हो, 20 लाख का हो, या कितने का भी हो, उसमें मेरे हिसाब से हैप्पी टाइम्स में 35% ग्रोथ होना चाहिए, 35% वैल्यू होना चाहिए, 10% पेनी होना चाहिए और 20% म्यूचुअल फंड होना चाहिए। इस पे हम आएंगे। 35% ग्रोथ, 35% वैल्यू, 10% पेनी और 20% म्यूचुअल फंड होना चाहिए। डेसिलरेटिंग टाइम्स में जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं उनकी क्वांटिटी और वैल्यू मार्केट में कम होना शुरू हो जाती है। मतलब जैसे जैसे इकोनॉमी इस फेज में जाती है, वैसे वैसे ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक्स की जो अवेलेबिलिटी होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो एक डेसिलरेटिंग टाइम्स में 30% ग्रोथ होता है, 30% वैल्यू होता है, 10% पैनी होता है
और 30% म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड का जो परसेंटेज होता है एक डेसिलेटिंग टाइम्स में वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो होता क्या है कि जब इकोनॉमी स्लंप में आती है तो जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, और जो वैल्यू स्टॉक्स होते और जो म्यूचुअल फंड का कंपोनेंट है वो अप होना शुरू हो जाता है। उस पर हम डिटेल पे बात करेंगे। स्लोडाउन में 20% ग्रोथ, 40% वैल्यू, 10% पैनी और 30% म्यूचुअल फंड। और रिसेशन में 10% ग्रोथ, 20% वैल्यू। अब आप सोचेंगे 20% वैल्यू क्यों? क्योंकि जब रिसेशन आती है तो जो वैल्यू स्टॉक्स होते हैं वो अपना डिविडेंड या तो कम कर देते हैं या फेज आउट कर देते हैं। इंडिया में ऐसे कई एग्जांपल हैं जिनमें ड्यूरिंग रिसेशन उन कंपनीज ने ना तो डिविडेंड दिए और इनफैक्ट फेज आउट कर दिए। तो इंडिया इज नॉट शॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स। दुनिया के कई देशों में वैल्यू स्टॉक्स ने रिसेशन के टाइम में ना ही सिर्फ बायबैक किया बल्कि अपने डिविडेंड भी फ्रीज कर दिए। एक आता है डीप डिप्रेशन। डीप डिप्रेशन में 25% पैनी होती है और इसका सिर्फ एक रीजन होता है वोलेटिलिटी। जो काम यहां ग्रोथ नहीं कर सकता वो काम यहां पे पैनी स्टॉक करता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि डीप डिप्रेशन में 45% फोलियो का जो होना चाहिए वो म्यूचुअल फंड में होना चाहिए। मेरे हिसाब से कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड, फिर चाहे वो 5 लाख का हो, 10 लाख का हो, 20 लाख का हो, 1 करोड़ का हो या 20 करोड़ का हो, उसको डिजाइन इन 5 सर्कमस्टांसेस को देखते हुए करना चाहिए। हैप्पी टाइम्स, डेसिलेटिंग टाइम्स, स्लो डाउन, रिसेशन एंड वोलेटिलिटी। उसके अलावा हमें ये देखना चाहिए कि वो पूरा जो ग्रोथ स्टॉक है जिसपे हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं वो लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है या मीडियम कैप है। सिमिलरली वैल्यू स्टॉक लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मीडियम कैप है। जब ये कैप की बात आती है तो दुनिया में दो तरीके की फ्रेटर्निटी है। फ्रेटर्निटी का इंग्लिश हिंदी में मतलब होता है विचारधारा, सोच। दुनिया में दो तरीके की फ्रेटर्निटी है। पहली फ्रेटर्निटी जो कैप को कैपिटलाइजेशन के एंगल से देखती है, एग्जाम्पल इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक की मार्केट कैप बहुत ऊपर है लेकिन उसके शेयर प्राइस के साथ क्या हुआ सबने देखा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ऐसे कई शेयर्स हैं जिनकी मार्केट कैप बहुत ऊपर है। टाटा सबसे बेस्ट एग्जांपल। टाटा ग्रुप की टोटल मार्केट कैप 12 लाख करोड़ से ऊपर की है। 12 लाख करोड़ सिर्फ उनकी मार्केट कैप है। और अगर आप ध्यान से देखें तो टाटा ग्रुप की मेजर कंपनीज लॉस में है। तो क्या टाटा ग्रुप को ऐसा लार्ज कैप बोला जाएगा? क्या टाटा ग्रुप लार्ज कैप होगा? आज टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा मोटर्स और मेजोरिटी ऑफ द टाटा कंपनीज का पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो नेगेटिव में है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जब हम एक इक्विटी पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमें क्या देखना चाहिए, कैपिटलाइजेशन वर्सेस पैट। मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं पैट का। मैं मानता हूं कोई भी स्टॉक वर्स्ट केस में तभी सस्टेन कर सकता है अगर उसका पैट अच्छा हो, जैसे कि वॉलमार्ट। आज ब्लूमबर्ग पे एक रिपोर्ट आ रही थी कि सेंसेक्स मतलब वहां का बेसिकली डाउ एंड नेस्टैक एंड स्टैंड पुअर इतना डाउन हुआ, लेकिन जितने भी रिटेलर्स हैं और उनमें दो वॉलमार्ट और अमेजोन दे परफॉर्म प्रेटी वेल, क्योंकि दोनों का पैट प्लस है और दोनों की मार्केट कैप भी ऊपर है, लेकिन बाकियों ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना अमेजोन और वॉलमार्ट ने परफॉर्म किया। अब फर्क यह होता है कि चिकन और एग की स्टोरी होती है कि हु कम फर्स्ट, कौन पहले आया, चिकन पहले आया या एग पहले आया। कई लोग बोलते हैं कि मार्केट कैप पैट को लेके आता है। मैं ये बोलता हूं पैट मार्केट कैप को लेके आता है। अगर आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल है तो आपकी कंपनी की मार्केट कैप अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि हर आदमी उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे कि एप्पल, एप्पल शुरू से ही एक मोटो पर चली, वो है प्रॉफिटेबिलिटी। मिस्टर स्टीव जॉब्स ने कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो हमेशा इस चीज को मानते थे कि अगर आप एक प्रोडक्ट मान लीजिए आईपॉड लॉन्च कर रहे हैं तो आईपॉड का मान लीजिए प्राइस $200 है तो उसमें कंपनी का एक डिसेंट प्रॉफिट मॉडल होना चाहिए,
क्योंकि कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रही थी उस टाइम पे, उस प्रोडक्ट में वैल्यू थी, वैल्यू तो आज भी है। जो प्रॉफिट का मिस्टर जॉब्स ने और इवेंचुअली धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया, वो आज तो एप्पल की किताबों में दिखता है $250 बिलियन। लेकिन इसी के कारण एप्पल की मार्केट कैप आज 1 ट्रिलियन से ऊपर की है। और एप्पल सिर्फ अकेला एग्जाम्पल नहीं है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट भी एक एग्जाम्पल है, फेसबुक भी एक एग्जाम्पल है, गूगल भी एक एग्जाम्पल है, सारे एक एग्जाम्पल है। इसलिए ये बहुत जरूरी है, हमें समझना चाहिए, और अमेरिकन हिस्ट्री में प्रूव हो चुका है कि पैट ब्रिंग्स मार्केट कैप, मार्केट कैप डू नॉट ब्रिंग पैट। एक बहुत ही अच्छे ऑथर ने आज, मैं उसका नाम जानबूझ के पब्लिक डोमेन में नहीं लिख रहा ले रहा, उन्होंने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा और मैं उनसे वर्ड बाय वर्ड एग्री करता हूं। उन्होंने कहा कि रिसेशन और डिप्रेशन के टाइम में जो जॉम्बी कंपनीज होती हैं, जॉम्बी कंपनीज मीन्स ऐसी कंपनी जिनकी मार्केट कैप तो बहुत ऊपर होगी लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का ना दाए ना बाए कुछ पता होगा, जैसे ऊपर, जैसे ऊबर, जैसे स्लैक और ऐसी कई कंपनी। ऊबर आज आपको लगता है कि वो इतने बिलियन, $50 बिलियन समथिंग के मार्केट कैप पे बैठी होगी, हर साल तो लॉस रिपोर्ट कर रहे हैं तो कैसे मार्केट कैप पे बैठी होगी। अब ये क्वेश्चन उठता है कि जब हम कैप की बात करते हैं तो क्या हम कैपिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं या पैट की बात कर रहे हैं। एक सही पोर्टफोलियो मैनेजर वो होता है जो पैट पे ले बात करता है, क्योंकि अगर कंपनी का पैट पॉजिटिव है तो वो कंपनी कभी नहीं डूबेगी। जैसे रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन हमेशा पॉजिटिव होता है, और वो हर साल अपने कैश फ्लो में ऐड करते हैं, ना कि कैश फ्लो से वापस लेते हैं। इसलिए चाहे रिलायंस की किताबों में 3 लाख या 3.5 लाख करोड़ जितने का भी डेट है, लेकिन उसके बावजूद उनका शेयर प्राइस अच्छा है, उसके बावजूद उनकी मार्केट कैप अच्छी है। लेकिन रिलायंस के अलावा ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिनका शेयर प्राइस और उनके पैट में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो एक पोर्टफोलियो मैनेजर को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वो पैट के लिए भाग रहा है या मार्केट कैप के लिए भाग रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है म्यूचुअल फंड कंपोनेंट। म्यूचुअल फंड कंपोनेंट की हमारी इंडिया में उतनी ही नॉलेज है जितने इंडियन पॉलिटिशियंस को डेवलपमेंट की नॉलेज है। तो जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, ऑल्दो स्कीम्स बहुत सारी होती हैं, जैसे डेट म्यूचुअल फंड, लिक्विड म्यूचुअल फंड, लिक्विड प्लस म्यूचुअल फंड, शॉर्ट टर्म डेट बॉन्ड फंड, डेट फंड, लॉन्ग टर्म डेट फंड, यहां पे आता है ड्यूरेशन फंड, आर्बिट्रेज फंड, क्रेडिट रिस्क फंड और बहुत सारे। सबकी रिस्क एपेटाइट अलग होती है, सबका पोर्टफोलियो अलग होता है, सबका रिटर्न जो देने का तरीका अलग होता है। कुछ ग्रोथ पर होती है, कुछ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पर होती है, कुछ रेगुलर होती है, कुछ डायरेक्ट होती है, तो कईयों में सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। तो जब हम पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं, तो जैसे आज डिप्रेशन के टाइम में मेरा मानना यह है कि 45% जो होना चाहिए वो आपका म्यूचुअल फंड होना चाहिए। लेकिन म्यूचुअल फंड में कौन सी स्कीम, लिक्विड, लिक्विड प्लस, शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, ड्यूरेशन, इनकम फंड, देयर इज अ हेल लॉट ऑफ स्कीम, कौन सी स्कीम एंड व्हाई, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी स्कीम और व्हाई, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक पोर्टफोलियो डिजाइनर को यह भी पता होना चाहिए बीटा, आपके स्टॉक का बीटा क्या है और आपके पोर्टफोलियो का बीटा क्या है। मैं 99.98% श्योर हूं कि मेजोरिटी लोग जो अपनी वीडियो देख रहे हैं उनका इक्विटी पोर्टफोलियो जरूर होगा, फिर वो चाहे 5 लाख का हो या 1 करोड़ का हो। इस इक्विटी पोर्टफोलियो पे उनको यह भी नहीं पता होगा कि बीटा क्या होता है। अगर आज आपका बीटा 0.9 से ऊपर है तो आप गए काम से, आज आपका बीटा अगर 0.5 है तो आप सेफ हो, अगर आपका बीटा 0.5 से कम है तो आप बहुत ज्यादा सेफ हो। जब बीटा ज्यादा होता है, एग्जाम्पल अगर आपके पोर्टफोलियो का बीटा 0.9 है, तो अगर मार्केट 1 सेंट, 1 डॉलर मूव करेगी तो आपका पोर्टफोलियो 90 सेंट मूव करेगा। अगर मार्केट 1 डॉलर मूव करेगी तो आपका पोर्टफोलियो 0.5 सेंट यानी 50 सेंट मूव करेगा, और अगर इसका ये लेस होगा तो अगर मार्केट 1 डॉलर मूव करेगी तो आपका पोर्टफोलियो $0.5 से कम में मूव करेगा। ये होता है बीटा।
और 99% फोलियोस के अंदर बीटा नहीं होता। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, जितने भी ये ब्रोकर्स हैं, किसी का नाम लिए बगैर, जो अपने कस्टमर्स को पागल बना रहे हैं इतने बड़े बड़े इक्विटी पोर्टफोलियो के लॉस पर बिठा के, ये आपको बीटा का बी भी नहीं बताएंगे। वैसे तो टाइम की बहुत कमी है, बीटा के अलावा एक अल्फा भी एक फैक्टर होता है जो हमें पोर्टफोलियो में लाना होता है। तो ये थी वीडियो, पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन किया जाए। इक्विटी पोर्टफोलियो डिजाइन करना कभी भी मुश्किल नहीं होता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुश्किल सिर्फ ये होता है कि हमें वो पता होना चाहिए कि इक्विटी पोर्टफोलियो डिजाइन कैसे किया जाए, उसके अंदर हम कहां बैठे हैं, हैप्पी टाइम्स, डेसिमेटिंग टाइम्स, स्लो डाउन, रिसेशन या डीप डिप्रेशन, उसमें हमारा बीटा कितना है, उसमें हमारा अल्फा कितना है, हमारी कैप की डेफिनेशन क्या है, मार्केट कैप, या और हम किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। इन सभी को जब हम चर्न करते हैं तो इसको हम बोलते हैं रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो। और रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। विद दिस वी थैंक यू वेरी मच। यू नो माय मोबाइल नंबर विच इज +91 9899242978। यू नो माय ऑल्टरनेट नंबर विच इज +91 9818485155। जाने से पहले प्लीज याद रहे, 3 या 4 दिन में हमारे दोनों वीडियो कोर्स ऑप्शन डेरिवेटिव्स और इक्विटी बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज लॉन्च हो रहे हैं, नंबर वन। दूसरा, हमारे दोनों टेलीग्राम ग्रुप्स जो जिनकी मेंबरशिप फीस 150 और 3000 है एक्टिव हो चुके हैं, और ट्रेजरी कंसल्टिंग का हेज फंड एक स्लो और स्टेडी स्टार्ट के साथ आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको एक वादा करता हूं कि इस जून तक हम अपने हेज फंड में काफी कुछ ऐड करने वाले हैं। With this, we thank you very much. You know my mobile number, you know everything. And don't forget to visit our fixed income platform, www.fixedincome.global. Thank you and have a great time. As you know that Treasury Consulting Group is a Singaporean multinational headquartered group, and we are heading as a bank in London next year. Having said that, there are a lot of new things that are coming in the market because of our bank. But we, our bank would also include a desk which is investment banking desk, and Treasury Consulting would be covering almost everything in investment banking, and that too with and without technology. In that regards, we on an often note now onwards would be shooting many videos covering various aspects of investment banking in the public domain on YouTube and our TikTok channel. Having said that, these videos will not be comprehensive understanding of the investment banking. I hope you understand that everything cannot be put in the public domain, and especially when the world is thankless. When people love watching our videos but they don't have 5 seconds to click the like button and put a good comment on that. But still, we keep moving. Having said that, Treasury Consulting effective March starting designing of multiple trainings, practical implementation of the various aspect of investment banking including the broker crossing networks, which is shortly known as BCN. Treasury Consulting would be the first company who would not only be listing all aspect of the investment banking as a training, practical or implementation. Rather, I assure you that by the time this year, which is December 2019, concludes, Treasury Consulting would have multiple videos covering most of the aspect of the investment banking. Some may in detail, some might not be in detail. I hope you understand everything cannot be made public. Plus, one important thing which Treasury Consulting Investment Bank would have once we go to launching in London next year is that we are going to be linking investment banking with the trade finance desk. You know that Treasury Consulting is having extreme and exceptional understanding of the trade finance products like SBLC, BG, DPLC, subordinate bonds and whatnot, including the SWIFT architecture. We're going to be linking our investment banking desk with the trade finance desk, and we're going to let you know about a lot of things which most of the people don't. With this, we definitely thank you very much. You know my mobile number, which is +91
+91 98992429 78. You know I have my second number, which is +91 98184855155. So I repeat, 98992429 78, 98184855155. You're welcome to visit our fixed income platform www.fixedincome.global, and we assure you that in next 30 days, which is by 30th or 31st March, whatever, more than any other we're going to be launching a very exceptional investment banking academy, and that too via Treasury Consulting Investment Bank. Have a great time.